हेलो गाइस, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी एंड माय सेल्फ के मुकेश सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लेक्चर ऑन इंडियाज थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो दोज हु आर बिगिनर्स, स्टार्टर्स, फ्रेशर्स और जो भी लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि इस क्लास के बाद आप इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ जाओगे। और इसके अंत में मैं आपको बताऊँगा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस of the first stage, what are the significance of the third stage, and finally हम लोग इस पूरे सेशन को एनालिसिस करेंगे कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्री स्टेज में क्यों बनाया, फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में फ्यूल क्या था, थर्ड स्टेज में हमने किस तरह के रिएक्टर को हमने यूज किया हुआ है। तमाम सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप सब लोग बने रहिए। एंड एज यू नो, अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इसके लिए आप लोगों को लेना होगा सब्सक्रिप्शन। इन ऑर्डर टू ज्वाइन अन अकेडमी यू नीड टू गेट सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को, यू आर अलाउड टू ज्वाइन डेली लाइव क्लासेस, ओके, यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस एंड अनलिमिटेड एसेस ऑफ वीडियोज, एंड यू आर ऑल्सो अलाउड टू डाउनलोड मल्टीपल पीडीएफ। इसके लिए करना होगा आप लोगों को कि अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, फटाफट जाकर डाउनलोड कर लो आप लोग। और इसके बाद मेरा टेलीग्राम लिंक होगा mukesh@anacademy, लिख लो आप लोग mukesh@anacademy, और इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह भी कुछ कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो आपका, और वहाँ पे भी तमाम तरह के पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जहाँ तक बात रहा मेरे एक्सपीरियंस का, सो आई सिंस लास्ट 10 ईयर आई एम टीचिंग फॉर सिविल सर्विस एक्सपीरियंस, और मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ पीपीएससी के बच्चों को। ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी और जीएस में जनरल साइंस, साइंस टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास लेते आ रहा हूँ, एंड करंटली वर्किंग दिल्ली एज ए फैकल्टी एट सेवरल मोस्ट रेपूटेड एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड अंडर माय एक्सपर्टीज मेनी स्टूडेंट्स गॉट फाइनल रिजल्ट इन सिविल सर्विसेज। रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। नाउ अलॉन्ग विथ मी एट दिस प्लेटफॉर्म यू विल गेट द गाइडेंस ऑफ मोर देन 100 टॉप एजुकेटर्स, ओके, एंड दीज आर द अपकमिंग कोर्सेस। ये सारे अपकमिंग कोर्सेस हैं, इसको भी आप लोग समझ लेना है आप लोगों को। इसके बाद चल रहे हैं हम लोगों को 1 month, 3 month, 6 month, 12 month का अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में आप अपनी कंफर्टेबली पॉकेट के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरा बात है, नॉट सी योर पॉकेट, सी योर प्रिपरेशन लेवल, आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल 12 महीने या 6 महीने का कोई पैकेज मत लेना, क्योंकि इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप 24 या 36 महीने का पैकेज लेना अगर आप 10+2 पास किए हो तो। अब पहले मैं बता दूं कि अन अकेडमी यहाँ पे दो तरह का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है, एक है प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। ये प्लस का मैं बता रहा हूँ, और प्लस में आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाएगा, आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। ये चार चीज़ें आपको प्लस में मिल रहा है। हाँ, मतलब क्या हुआ, आप मेरा जो क्लास देख पा रहे हो, क्लास देख पाओगे, टेस्ट कर पाओगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल जाएगा, ताकि उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप ऑर्गेनाइज कर सकोगे। अब यहाँ पर समझ लो आप लोग, इस कोर्स अलग अलग फी दिया हुआ है। मैंने पहले बता दिया कि अगर मान लो 24 महीने का लेते हो, 24 महीने का फी यहाँ पे है 72,000 रुपये, मंथली ईएमआई पे करना चाहोगे 3,000 रुपये में। अगर इसमें अगर इस कोर्ट को यूज़ कर लेते हो आप लोग MTS 1 को, तो आपको ये 10% का कंसेशन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, अब आप मात्र 2700 रुपये मंथली ईएमआई पे या टोटल 64,800 रुपये करके आप 24 महीने तक अन अकेडमी से पढ़ाई कर सकते हो। ये इसके एडवांटेज हैं। फिर इससे भी एक अच्छा पैकेज है आइकॉनिक। आइकॉनिक में 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ का पैकेज है, और यहाँ भी आप जो फी दिया हुआ है उसमें अगर आप मान लो 36 महीने का लेते हो तो इसका फी है 1,41,000 रुपीज़, और इसमें ईएमआई में 3,525 रुपये मंथली दे करके आप 101,26,000 कुल पे करना होगा। कंडीशन सिर्फ यह होगा, इसमें भी 10% जो कॉन्सेशन चाहिए आपको, इसके लिए आप लोग को यहाँ पे कोड यूज़ करना है MTS 1 को। और इसमें क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लास मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल जाएगा, पर्सनल कोच, डेली मेन क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज फीडबैक, ये सब मिल जाएगा। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, आप अपना प्रिपरेशन लेवल देखिए। आप शुरुआत स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने अभी इस जर्नी के मिड स्टेट में हैं, या आप एट द वर्ड ऑफ फाइनल स्टेट में है, डिपेंड अपॉन दैट सर्कमस्टेंसेस, और उस हिसाब से ड्यूरेशन को चुन करके आप बिल्कुल अपना सब्सक्रिप्शन लें और अपने घर बैठकर अपनी पढ़ाई को, ठीक है, अच्छे ढंग से करें, और आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो आपको मिल जाए इससे।
अब दूसरी बात रही यहाँ पे अन अकेडमी का, ये ऑप्शनल का दिया हुआ है, ऑप्शनल में भी देख रहे हो 12 महीने का 27,500 है। इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको फिर यहाँ पे 10% का कॉन्सेशन मिल रहा है। तो आपको सभी जगहों पर, चाहे GS का कोई सेगमेंट हो या ऑप्शनल का, आपको हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है, लंबी तैयारी है, इसमें पेशेंस, रिजर्वेंस, डेडिकेशन, कमिटमेंट और प्लानिंग, प्लानिंग चाहिए आपको। प्लानिंग इसका भी चाहिए कि आपको कितने महीने में का टाइम लगेगा आपके, जैसे फ्रेशर को, बिगनर्स को, स्टार्टर्स को, न्यू स्टूडेंट्स को एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर सिविल सर्विस, उन सबको। क्योंकि देखो ऑलरेडी 1 मंथ मुझे लगता है कि सिलेबस लोगों को समझने में और क्वेश्चन क्या पूछते समझने में लग जाता है, ठीक है। और अगर टोटल तैयारी की बात करें तो बिगनर्स के लिए, किसी भी बच्चे के लिए 1.5 से 2 साल का समय भी कम पड़ता है। इसलिए आप बिल्कुल अर्ली तैयारी शुरू करो ताकि आप अर्ली से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। और आज का हम लोग का टॉपिक है इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत के 3 स्टेजेस कर लो यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसमें एक बात आप लोग समझ लो कि जिस हम लोग बात जिस टॉपिक का करने जा रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज में आखिर क्यों रखा। पहली बात तो ये है कि इसका ज़रूरत क्या था। देखो भारत अपने पास जो अवेलेबल जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको भी देख रहा था, भारत के पास अपना जो रिएक्टर था उसको भी देख रहा था। और दोनों को देखते हुए, क्योंकि जो रिएक्टर हमारे पास था उसका फ्यूल हमारे पास नहीं था, और जो फ्यूल हमारे पास था उसका रिएक्टर हमारे पास नहीं था। और एक बड़ा वजह था कि हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज में बांटा है, ठीक है। हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज में क्यों बांटा है, तो बड़ा कारण ये है हमारे पास जो फ्यूल रिजर्व है उसको संचालित करने वाला रिएक्टर हमारे पास नहीं था। क्योंकि जो रिएक्टर था वो हम, और जो रिएक्टर हमारे पास था, ठीक है, वो एक्चुअली उसके लिए हमारा फ्यूल सही नहीं था। और इसी को ठीक करने के लिए, दूसरा जो फ्यूल रिजर्व हमारे पास है उस फ्यूल को यूज करने के लिए भी हमने अपने प्रोग्राम को 3 स्टेज में रखा। और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो फादर हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ही वाज द आर्किटेक्टर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ही वाज द फॉर्मुलेटर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। और उन्होंने जिस हिसाब से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज में बांटा है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही उनके दूरदर्शिता का परिचायक है, ठीक है। और ये उन्हीं का विजन था। आज ठीक है बेशक लंबा समय हमें लगा है, पर आज कहीं ना कहीं हम सफल होते जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो इंडियाज ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज में रखा, ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल पहली बार देखने जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजली पैदा करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे पैदा करेंगे। अब पहले स्टेज में न्यूक्लियर फ्यूल को जला करके जो बिजली पैदा करोगे, दूसरे स्टेज में न्यूक्लियर फ्यूल को जला कर बिजली पैदा करोगे, तीसरे स्टेज में न्यूक्लियर फ्यूल जला करके बिजली पैदा करोगे, तो उसी का हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो बिल्कुल बिगनर्स हो, हम लोग बात कर रहे हैं बिजली कैसे पैदा हम कर रहे हैं और हमें किस स्टेज में कितना बिजली मिलेगा, ठीक है, और अंत में हम किस प्रकार से अपने एनर्जी सिक्योरिटी को हम अचीव करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो एनर्जी पे जो डिपेंडेंसी है किसी और के हाथों में रहें। इन ऑर्डर टू मेक्स इंडिया सेल्फ डिपेंडेबल, एनर्जी सिक्योर इन अ लॉन्ग रन, एंड दैट्स वाई इंडियाज फाउंडिंग फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा फॉर्मुलेटेड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटू 3 स्टेजेस, उन्होंने 3 स्टेज में इसको बांटा। अब सवाल यहाँ पे है कि पहला स्टेज क्या था, दूसरा स्टेज था, तीसरा स्टेज क्या था। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिख देता हूँ एक लाइन ताकि आप लोग समझ सको, जो लोग लिखना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, ठीक ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बातें लिख रहा हूँ, जो बच्चे सब लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। और लिखना क्या है जैसे देखिए, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थ्री स्टेजेस न्यूक्लियर प्रोग्राम, रिमेंबर इट,
दो तीन बातें पहले, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाई वॉज फॉर्मुलेटेड और आर्किटेक्टेड बाई आर्किटेक्टेड बाई फाउंडिंग फादर ऑफ प्याज न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये बात है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन्होंने किया एंड इन्होंने ही को तीन चरणों में बांटा, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंडिया ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स एंड मेक देमसेल्फ्स कैपेबल टू यूज देयर ओन फ्यूल रिजर्व, ताकि इंडिया अपने फ्यूल रिजर्व का यूज कर सके, ठीक है। अब हमारा फ्यूल रिजर्व क्या है, हमारे पास जो फ्यूल रिजर्व है वो है थोरियम। थोरियम का ये जो फ्यूल रिजर्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रिजर्व है कहाँ पे? अब देखो थोरियम अगर हम बात करते हैं, मोनोजाइट सैंड के रूप में है ये, और ये बेसिकली इसका जो डिपॉजिट है वो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के समुद्री तट पे है। और इंडिया के पास वर्तमान में जो थोरियम रिजर्व है ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं कि कम से कम वो 500,000 टन उस और या उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमारे पास है, कि दुनिया का 1/5 रिजर्व है, ठीक है। अगर हम इस थोरियम को हम यूज करने में अगर हम सक्षम हो जाते हैं, अर्थात थोरियम को यूज करने वाले अगर हम रिएक्टर को हम डेवलप कर लेते हैं, तो आने वाले करीबन करीबन मान के चलो 300 से 400 सालों तक हमें किसी के तरफ भी ऊर्जा के लिए देखने का आवश्यकता नहीं होगा। ये इतना बड़ा इनडिपेंडेंसी हमारे लिए बना विकसित कर सकता है, ठीक है। ये बातें हम लोग को याद रखना है। अब रही बात कि हम थोरियम को यूज करने हम क्यों नहीं पहले चरण में कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास पहले चरण का जो रिएक्टर्स है वो हमारे द्वारा डेवलप किया हुआ नहीं है, और इंडिया के पास अभी भी कोई भी रिएक्टर नहीं है जिसमें हम थोरियम को हम यूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, और जो हमें और आज जो इंडिया का तीन चरणों वाला जो परमाणु प्रोग्राम है इसके कुछ अपने भी सिग्निफिकेंस हैं, कुछ अपने भी एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, उस पर मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम लोग समझते हैं कि इंडिया का थ्री स्टेट प्रोग्राम में क्या क्या है बेसिकली। तो आप लोग जो समझने के स्तर पर आप यहाँ पर पहले लिखोगे फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्ड स्टेज, ठीक है। अब समझना ये फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड स्टेज। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखोगे आप, और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये है थर्ड स्टेज। चलो अब गौर ये क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हमने जो रिएक्टर इस्तेमाल किया हुआ है, तो पहले समझना कि रिएक्टर कौन सा रिएक्टर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिएक्टर का टाइप है वो है पीएसडब्ल्यूआर का मतलब प्रेशराइज हीवी वाटर रिएक्टर। इस रिएक्टर में हम लोग फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं, इसमें जो फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं वो है यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का पीलेट्स। यहाँ पे फ्यूल क्या है, यूरेनियम 238 और प्लस यूरेनियम 235 का पीलेट्स है, ये 235 का पीलेट्स है ये। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और क्या यूज कर रहे हैं, तो रिएक्टर तो हो गया PSWR, फ्यूल हो गया यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। तीसरा जो कंपोनेंट है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और वो है बेसिकली मॉडरेटर। देखो रिएक्टर के नाम से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मॉडरेटर हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। तो मॉडरेटर में आप लोग याद रखना यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं हैवी वाटर। कूलेंट भी हम लोग यहाँ पे हम लोग D2O ही यूज कर रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और यहाँ पे हम लोग जो कंट्रोल रॉड है वो हम लोग यूज कर रहे हैं कैडमियम से बना हुआ कंट्रोल रॉड को।
ये तो अब इसी फ्यूल को जलाना है इस पहले चरण के परमाणु भट्टी में, और जलाने से हमें जो ऊर्जा मिल रहा है यहाँ पे, हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिलेगा एनर्जी, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, इस एनर्जी को हम यूज करेंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे मिल रहा है बेसिकली, ठीक है ना, जला हुआ ईंधन, जलने के बाद सारा ईंधन तो जला नहीं, ईंधन का कुछ पार्ट जला हुआ है, शेष ईंधन जो बचा हुआ है तो दैट आर कॉल्ड स्पेंट फ्यूल, ये हमें यहाँ पे स्पेंट फ्यूल मिल रहा है। साथ में हमें यहाँ पे और क्या मिल रहा है स्पेंट फ्यूल के रूप में, तो मैं लिखता हूँ स्पेंट फ्यूल मिल रहा है आपको, इस स्पेंट फ्यूल मतलब जला हुआ ईंधन, इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। और इसमें हमें मिलता है प्लूटोनियम 239, याद रखना है प्लूटोनियम 239 प्लस डिटोरिएटेड यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम हमने यूज किया है वही स्पेंट फ्यूल है। अब इस फ्यूल को प्रोसेस करना है, और प्लूटोनियम 239 दोनों को लेकर के हमको सेकेंड स्टेज में हमें अब एज ए हम फ्यूल यूज करने जा रहे हैं। अब समझ लो बात को, इसको जो स्पेंट फ्यूल है इसको प्रोसेस करके, और जो प्लूटोनियम 239 है इस दोनों को लेकर के हम दूसरे स्टेज में हम जा रहे हैं, ठीक है, एज ए यूज करने के लिए। अब हम यहाँ पे इसको हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे, पर सवाल ये है दूसरे स्टेज में रिएक्टर कौन सा होगा, तो भाई फ्यूल तो ये हो गया, तो रिएक्टर क्या होगा यहाँ पे दूसरे स्टेज का, देखो दूसरे स्टेज का जो रिएक्टर है वो रिएक्टर यहाँ पे है FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और मैंने FBR रिएक्टर बताया था वो रिएक्टर है, इसमें जो भी फ्यूल डालते हो उस फ्यूल के कंपेयर में ज़्यादा फ्यूल भी पैदा करता है और ये ज़्यादा एनर्जी भी पैदा करता है, ये बात आप लोगों को समझना है। हम लोगों को जो भी हम यहाँ पे यूज़ करें उसके कंपेयर में ज़्यादा फ्यूल भी पैदा करता है और ज़्यादा एनर्जी भी पैदा करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। तो दिस रिएक्टर इज फ्यूल्ड बाई ए मिक्सड ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम 239 हैव बीन रिकवर्ड बाई रीप्रोसेसिंग ऑफ द स्पेंट फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज। तो इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे यूरेनियम जो स्पेंट फ्यूल है इसको रीप्रोसेस करेंगे हमारे साथ में, यहाँ क्या हो गया यूरेनियम मतलब डिटोरिएटेड यूरेनियम लिख रहा हूँ, रिएक्टर तो हो गया FBR, फ्यूल यहाँ पे हो गया प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 प्लस डिटोरिएटेड यूरेनियम, डिटोरिएटेड यूरेनियम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एज ए कंट्रोल रॉड हम क्या यूज़ करेंगे और एज ए मॉडरेटर क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे कंट्रोल रॉड हम लोग, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं कई तरह का मनुष्य सवाल आएगा कि हम कहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे किस स्टेज में हम क्या यूज़ करते हैं, समझ लो बात को। एज ए कंट्रोल रॉड हम यहाँ पे कैडमियम का ही रॉड यूज़ करेंगे, मॉडरेटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो न्यूट्रॉन की स्पीड को हम कम करें, इसलिए मॉडरेटर यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। और कूलेंट हम यहाँ पे लिक्विड सोडियम को हम यूज़ करते हैं, तो लिक्विड सोडियम हो जाएगा ये, तो हम एज ए कूलेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस स्टेज में जो भी एनर्जी बनता है, जैसे मैं बताऊँगा कि कितना एनर्जी क्या बनता है, उस एनर्जी का हम फिर यूज करेंगे। और साथ भी यहाँ पे अब जलने के बाद हमें क्या मिलेगा, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेज का बाई प्रोडक्ट क्या है, प्लूटोनियम 239 प्लस डिटोरिएटेड यूरेनियम या स्पेंट फ्यूल जिसको बोलते हो, वैसे सेकेंड स्टेज का जो जब आप यूज करोगे तो यहाँ भी जो रिएक्शन फर्स्ट स्टेज में था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, वही रिएक्शन सेकेंड स्टेज में भी हो रहा है। डिफरेंस क्या है, रिएक्टर का टाइप अलग अलग, एक में PSWR टाइप हो गया, दूसरे में FBR टाइप हो गया। अब सेकेंड स्टेज में जो हमें बेसिकली बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, यूरेनियम 233, याद रखोगे यूरेनियम 233 मिलेगा बाई प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे एज ए ब्लैंकेट हम लोग थोरियम का भी यूज करते हैं और ये थोरियम यहाँ पे यूरेनियम 233 को ब्रीड करता है। और ये जो 233 है ये हमारे थर्ड स्टेज में हम इसको एज ए फ्यूल यूज करेंगे, जहाँ पर रिएक्टर का टाइप होगा ASWR या इसको बोलते थोरियम बेस्ड रिएक्टर बोल देंगे, थोरियम बेस्ड रिएक्टर TBR, और उसमें ये यूरेनियम 233 प्लस थोरियम इसको यूज करेंगे, थोरियम प्लस यूरेनियम 233 को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। और इसका हमें फायदा ये होगा रिएक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे मॉडरेटर समझ ही रहे हो क्या होगा आप लोगों को, हैवी वाटर होगा मॉडरेटर, हैवी वाटर होगा यहाँ पे,
प्लस यहाँ पे कूलेंट भी हम यूज करेंगे सोडियम को, प्लस हम यहाँ पे जो कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड भी हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कैडमियम का या बोरन का या ग्रेफाइट का बना हुआ होगा। और इसके बाद इस स्टेज में हमें क्या मिलने वाला, इसमें जलने के बाद हमें फिर से मिलेगा यूरेनियम 233 जो कि थोरियम है। थोरियम से क्या बनेगा, जब थोरियम न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है हमें फिर मिलेगा यहाँ पे यूरेनियम 233। और इस यूरेनियम 233 को हम अगेन एंड अगेन हम यूज करते चले जाएंगे थर्ड स्टेज में। इंडिया का जब परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था तो उसके जो पहले स्टेज में इंडिया आज क्या हो गया है, थोड़ा समझ ले बात को। इंडिया जो पहले स्टेज में आज आत्मनिर्भर हो चुका है, चाहे उसके फ्यूल का माइनिंग करना हो, चाहे उसके फ्यूल के माइनिंग के अलावा जो रिएक्टर है इसको रन कराना हो, चाहे कूलेंट जो सिस्टम है उसको संचालित करना हो, चाहे इसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए लेवल ऑफ एक्सपर्टीज वो एक्सपर्टीज की बात हो। आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी इंडिया ने इस पहले स्टेज में के सभी ये पहले स्टेज के सभी लेवल पे आज कहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है और उसे अब किसी भी तरह का टेक्निकल असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। अपग्रेडेशन एक अलग मुद्दा हो सकता है लेकिन टेक्निकल असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। अब हम सेकेंड स्टेज में पहुँच चुके हैं। सेकेंड स्टेज में जब हम पहुँचे हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टर का टाइप हो FBR है, और हम अभी सेकेंड स्टेज में बहुत पहले नहीं पहुँचे थे, अभी अभी अभी, अभी, अभी फिलहाल हम हाल फिलहाल इस पर पहुँचे हैं। जो सेकेंड स्टेज से जो हमने इनर्जी पैदा शुरू किया है वो 2016 से हम शुरू किया है। हालांकि एक्सपेरिमेंटल अगर हम बात करें तो जब IGCR का स्थापना ही हुआ था, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का स्थापना ही हुआ था, अपना रिएक्टर को इनबिल्ट करना है, उसमें संचालित करना है, और उसी के द्वारा FBR का प्रोटोटाइप जो वर्जन था उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। फिर संचालन 1985 में हुआ, फिर अल्टीमेटली 2004 में हुआ। ग्रेजुअली हम आज यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से हम FBR रिएक्टर का यूज करके हम फ्यूल को बना रहे हैं। और इंडिया और रशिया मात्र दो ऐसा देश है जिसके पास वर्किंग FBR रिएक्टर सिस्टम है। जबकि थर्ड स्टेज की हम लोग बात करें, आज थर्ड स्टेज में भी पहुँचे नहीं हैं। संभवतः 2050 तक हम थर्ड स्टेज में पहुँच जाएंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो रिएक्टर का जो निर्माण है वो डिफिकल्ट है, जिसे जो पहला रिएक्टर है थर्ड स्टेज का उसका नाम है कामिनी रिएक्टर, और उस पर अभी काम चल रहा है। उसका प्रोटोटाइप जो है आप ही अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में रिएक्टर का ज़मीन पर लाना, संचालित करना टाइम थोड़ा अभी लगेगा, और 2050 तक हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम थर्ड स्टेज में को भी हम प्रॉपरली हम संचालित कर पाएंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो पहला स्टेज का जो फ्यूल था, जला हुआ ईंधन था, उसको हम दूसरे स्टेज में फ्यूल में यूज कर रहे हैं। दूसरे स्टेज का जो जला हुआ फ्यूल है तो हम तीसरे स्टेज में हम फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं, और तीसरे स्टेज का जो बाई प्रोडक्ट निकला हुआ है उसको हम अगेन हम साइक्लिक वे हम यूज करते चले जाएंगे थोरियम को मिला करके। और इस प्रकार से इंडिया का पूरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये एक साइक्लिक वे में हमें होता हुआ दिख रहा है। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। होल प्रोग्राम जो दिख रहा है ये एक साइक्लिक मैनर में दिख रहा है कि पहले स्टेज का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। मतलब क्या हुआ, दूसरे स्टेज का सफलता है वो पहले स्टेज के सफलता पर डिपेंडेंट है। अगर पहला स्टेज फेल हो जाता तो दूसरा स्टेज कभी चलता ही नहीं। तो वैसे तीसरे स्टेज का सफलता दूसरे पर डिपेंडेंट है। और अगर ठीक है, इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है, पहला स्टेज का जो बाय प्रोडक्ट है जो स्पेंट फ्यूल है, इस फ्यूल को हमें अब एक अवशिष्ट है, न्यूक्लियर अवशिष्ट है, इसके रखरखाव का भी उतना ज़्यादा हमें जोखिम नहीं होगा, क्योंकि इसका हम यूज कर लेंगे दूसरे स्टेज में। अब दूसरे स्टेज का जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसका हम यूज कर लेंगे तीसरे स्टेज में। तो फ्यूल जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका भी जोखिम या जो रिस्क है वो हमें कम होगा, ठीक है। क्योंकि आज दुनिया कहीं ना कहीं फ्यूल मैनेजमेंट को लेकर के, जो जला हुआ ईंधन इसको मैनेज करने के लिए, इसके प्रबंधन को लेकर के, ठीक है, काफ़ी चिंतित होता है और काफ़ी उसको पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं इसमें। और इस अगर नहीं करोगे तो वैसे में इसको हम कहीं भी एक्सपेल्ड आउट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, उस रेडिएशन रेडिएट होते रहता है। अगर ये किसी प्लांट पे, किसी एनिमल्स पे या किसी ह्यूमन से एक्सपोज होता है तो उसके हेल्थ पे बड़ा इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट द एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम दिस फ्यूल वी नीड टू मैनेज दिस फ्यूल, एंड दैट्स वाई आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम जो प्रोग्राम्स हैं ये काफ़ी शानदार दिखने में लग रहा है, जहाँ पे
साइकिल में हम फ्यूल को भी यूज कर रहे हैं, और सबसे जो बड़ा बात है कि हम फ्यूल के जो मेजर पार्ट है हम उसका यूज कर पा रहे हैं, मतलब मेजर पार्ट जो फ्यूल का है जो वेस्ट में बदल जाता है उसको वेस्ट से पहले ही उसको हम प्रोसेस करके रीप्रोसेस करके हम लोग यूज कर रहे हैं। अब कुछ सवाल स्टूडेंट्स के मन में होगा, जरा मैं बता देता हूँ। पहली बात है, वंस अगेन आई रिपीट थिंग्स, रिएक्टर का टाइप क्या है? यहाँ पे पहले रिएक्टर का टाइप क्या है? PHWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग हैवी वाटर को एज ए मॉडरेटर के रूप में यूज कर रहे हैं, चूंकि हम हैवी वाटर का दो काम होता है, मॉडरेटर का भी और कूलेंट का भी, इसलिए हम दोनों का यूज करें। फ्यूल का पिलर्स आता है जो NFC देता है हम लोग को, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से आता है, और वो हमें जो पिलर्स देता है उसमें यूरेनियम 238 भी है, 35 भी है। 35 का परसेंटेज कितना होता है? 0.7%। 38 कितना है? 99.3% परसेंटेज होता है। तो वैसे में और जो फ्यूल पार्ट है 235 है, तो जरूरी क्या है कि हम यूरेनियम 238 को में हम 235 का परसेंटेज को बढ़ाएं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर 238 में 235 का परसेंटेज को बढ़ाते इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और यहाँ भी इंडिया 0.7 से 7% तक इसको बढ़ा के इसको यूज करने में सक्षम हो चुका है और कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमने कहा यहाँ पे मॉडरेटर इसलिए है कि भाई जो न्यूट्रॉन पैदा होता है, फास्ट न्यूट्रॉन, उसके स्पीड को कम कर सके ताकि रिएक्टर कभी वोलेटाइल ना हो। कूलेंट चाहिए इसलिए कि भाई रिएक्टर में कभी कोई ब्लास्ट की स्थिति ना हो, रिएक्टर बहुत गर्म ना हो, रेडिएशन कहीं आउट ना हो। कंट्रोल लोड इसलिए भी चाहिए कि रिएक्टर को वोलेटाइल होने से बचाना है, हम कंट्रोल लोड का यूज करते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पे है, सेकंड स्टेज में हम चलते हैं FBR में। FBR में यहाँ पे देख रहे हो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, फ्यूल देख ही रहे हो आप लोग और कंट्रोल लोड समझ ही रहे हैं, मॉडरेटर को और कूलेंट काम समझ ही रहे हैं। यहाँ पे कूलेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, लिक्विड सोडियम का यूज कर रहे हैं। कहते ये रिएक्टर फास्ट क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होता है इसमें तो आर नॉट स्लो डाउन एंड देयर इज नो फियर ऑफ ए मॉडरेटर, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें धीमा नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉडरेटर तो यूज नहीं किए हुए हो, न्यूट्रॉन हमेशा फास्ट ही बना रहेगा, फ्यूल का मेजर पार्ट यूज हो जाएगा। तो इस तीनों में से सबसे ज्यादा जो एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है उस सेकेंड स्टेज रिएक्टर क्या है, हमें प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है, इसको समझना हम लोगों को है। इसके अलावा इसको हम लोग ब्रीडर क्यों कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जितना फ्यूल यूज करोगे उसके तुलना में आपको ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। मतलब जितना फ्यूल यूज करोगे उसकी तुलना में ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। ज्यादा एनर्जी के अलावा और क्या मिल रहा है, तो ज्यादा हमें फ्यूल भी मिल रहा है, बिकॉज बाई यूजिंग अ फ्यूल यू आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम अदर फ्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्टर इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर, प्रजनन रिएक्टर इसको बोलते हैं हम लोग, है ठीक है। तो ठीक ना, और ये जो ब्रीड करता है वो जो मटेरियल होता है वो फिसाइल है, जैसे मतलब थोरियम हम यूज किए हुए हैं, थोरियम से हमें क्या मिला, यूरेनियम 233 मिल रहा है, यूरेनियम 233 का फिसाइल है, और जबकि थोरियम क्या फर्टाइल है, तो फर्टाइल का यूज करके फिसाइल प्राप्त कर रहे हो, और वो फिसाइल जो मिल रहा है आपको यहाँ पे 233 देख रहे हो, क्या यूज कर लोगे कहाँ पे, आप थर्ड स्टेज में यूज कर लोगे एज फ्यूल। ये एक बड़ा सा यहाँ पे का महत्व हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन होगा इसके अंदर तीनों स्टेज में, वो सबके सब कैसा रिएक्शन टाइप है, तो फिशन रिएक्शन हो रहा है, विखंडन रिएक्शन हो रहा है, जो चेन रिएक्शन के फॉर्म में है। और ये जो सेकेंड स्टेज में है इट इज सस्टेन्ड बाई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, फर्स्ट स्टेज में ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा, थर्ड स्टेज में ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा, इस बात को याद रखना है। और मैंने पहले ही बता दिया था इंडिया और रशिया ये दोनों एक ऐसा देश है जो कमर्शियल स्केल पे ब्रीडर रिएक्टर को बनाने का काम कर रहा है। अब रही बात ये कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, ठीक है, और इससे हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो फ्यूल है पहले स्टेज का उसका मात्र 7% तक आप एज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर पा रहे हो, जबकि सेकंड स्टेज में 70% तक फ्यूल को आप एनर्जी के लिए यूज कर पाओगे, प्लस क्या करोगे आप इसमें गौर कर देखोगे तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है फिसाइल मटेरियल्स, उस फिसाइल्स को भी आप थर्ड स्टेज के लिए फ्यूल के लिए तैयार कर सकते हो। सेकंड स्टेज कहीं ना कहीं का जो अहमियत है तीनों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और थर्ड स्टेज को रन कराने के लिए हमारे सेकंड स्टेज का सक्सेसफुल रन होना भी जरूरी होता है, ये आप समझिए। और थर्ड स्टेज की जब हम बात करते थे, मैंने पहले ही बता दिया है कि थर्ड स्टेज में थोरियम, इसको रिएक्टर ब्रीडर रिएक्टर क्यों कह रहे हैं, या एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये थोरियम पे आधारित है। इसमें जो नेचुरली जो नेचुरल जो पाए जाने वाले थोरियम है वो होता है थोरियम 32 को हम यूरेनियम 233 के साथ हम मिला करके हम यूज कर रहे हैं। अब थोरियम, पहले जो यूरेनियम 233 था वो कैसे बना था, थोरियम पे जब न्यूट्रॉन का जब प्रहार करते हो
वो एब्जॉर्ब करता है और वो कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233 में। अब इस दोनों को मिला करके यूज़ कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे मॉडरेटर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है यूरेनियम 233 अगेन मिल रहा है फिसाइल मटेरियल। और ये फिसाइल जो मटेरियल है इसको हम अगेन हम साइक्लिक बैनर में हम फोर्थ स्टेज इसको बोलते हो, फोर्थ नहीं होगा बल्कि यहीं पर साइक्लिक वे में ये घूमता रहेगा। इन दैट वे क्या हुआ, होल जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये साइक्लिक मैनर में है। तो ये बातें आपको समझना है कि अब हमारा चाहे फर्स्ट स्टेज हो, चाहे हमारा सेकेंड स्टेज हो, चाहे हमारा थर्ड स्टेज हो, ये पूरा जो स्टेज है इसका सफलता इस पे, इसका सफलता इस पे, और इसका सफलता कहीं ना कहीं यहीं पे ये सर्कुलेट करेगा साइक्लिक मैनर में। ये पूरा साइक्लिक वे में ये मूव करता चला जाएगा। और इस प्रकार से सबसे बड़े एडवांटेज क्या होंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हमें फ्यूल काम बेहतर यूज कर पाएंगे। दूसरा, साइक्लिक होने के कारण हमें फ्यूल मैनेजमेंट को लेकर के इशू नहीं होगा, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के इशू नहीं होगा। तीसरा, ठीक है, ये जो होल प्रोग्राम है ये हमें धीमे धीमे थोरियम तक पहुंचा दे रहा है, जहाँ पे थोरियम को हम यूज़ कर पा रहे हैं। और ये हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी तरह कोई खतरा नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और ये क्लीन एनर्जी हमें यहाँ पे मिलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। और आप लोग और बता दूँ, मैंने बताया था कल्पक्कम इज द वर्ल्ड ओनली थोरियम बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संभवतः इसका जो डिज़ाइन किया गया था वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च दोनों ने मिलकर इसका किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ से एक्सपेरिमेंटल तौर पर अभी तक 30 किलोवाट के थर्मल, ठीक है, एनर्जी को हमने प्रोड्यूस करने का काम शुरू किया हुआ है। पर ज़मीन पर इसको लाने में अभी 2050 तक का समय लग जाएगा, जबकि वर्तमान में इंडिया में अभी तक 22 टोटल रिएक्टर जो कार्यरत हैं, ठीक है, जिसका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, 6780 मेगावाट, ठीक है। और 2017 के बाद से कूडनकुलम भी अब कार्यकारी हो गया, जो इंडिया का अब लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग रिएक्टर बन चुका है, ठीक है। इन बातों को याद रखना है, और फिर मिलके हम लोग हैं अगले क्लास में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देगा आप लोगों को कि डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड इंडिया 3 न्यूक्लियर स्टेजेस एंड व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ डिवाइडिंग इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 3 स्टेजेस। इस पे आप लोगों को डिस्कस या डिस्क्राइब या एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन देगा, उसके लिए तैयार रखना है, आपको हर स्टेज की समीक्षा करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर मिलते हैं, तब तक वो एक चीज़ और याद रखना, आपको ऐसे ही क्लास मिलता रहे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर डिसाइडेड टू टेक सब्सक्रिप्शन, यूज माई कोड MKS1 एंड बाई यूजिंग दिस कोड यू आर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन द स्पेशल क्लासेज। अगर स्पेशल क्लास अकेडमी को ज्वाइन करना है तो आप MKS1 कोड को आप अपने लिए भी, अपने रिलेटिव्स के लिए भी, अपने स्टूडेंट फ्रेटर्निटीज में भी, कोई दोस्त हो उसके लिए भी आप बिल्कुल यूज कीजिए, ताकि आपको एक शानदार क्लास हमेशा मिलता रहे और आपका कोड जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते रहे, ठीक है। तो गाइस, ठीक है, चलो तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पे हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। और तब तक के लिए सब लोगों को, सारे बच्चों को बाय, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट व्हाट, लेट्स क्रैक UPSC CSE, एंड बाय। इफ यू आर डिसाइडेड टू टेक अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यूज दिस कोड MKS1।